कमाल नहीं संबोधन दे रही। बारी बहुमत से जीता है। मैम जो आपकी इस बार प्राथमिकता होगी, पिछले 10 सालों में सांसद हैं, अगर तीसरी बार आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता बहुत सारी चीजों का है, उसमें स्पेशली यमुना है, फिर 84 कोस परिक्रमा है और रेल मार्ग का निर्माण और कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन एजुकेशन, सबके लिए हमें काम करना है। अभी मैम इस बार पीएम ने 400 पार का एक विजन दिया है, नारा दिया है, वो लक्ष्य को हम लोग निभाएंगे। हम सब कार्यकर्ताओं मिलकर उनका जो विजन है 400 पार, उसका उस विजन उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। लेकिन मैम पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के नेताओं द्वारा जो टीका टिप्पणी हो रही है, तो आपके बोलिए गिरिराज महाराज की जय। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी अपना नामांकन भरकर के आई है। मैम दो बार की सांसद रह चुकी है, तीसरी बार आपने नामांकन भराया। हेमा मालिनी बीजेपी उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार, मथुरा से नामांकन के ठीक बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 400 पार उसको संभव बनाएंगे।